अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 प्लस कॉस 4 थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है। हम इसे प्रूफ करने के लिए हेल्प लेंगे डी मॉवरेस थ्योरम के रिजल्ट की। और हमारे पास डी मॉवरेस थ्योरम का रिजल्ट क्या था, हमारे पास रिजल्ट ये था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। बिकॉज 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप नोटिस करें कितनी पावर है 4, तो हम लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स पे पावर 4 लेंगे वी गेट, तो डेफिनेटली ये बनेगा 2 कॉस थीटा टू द होल पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द होल पावर 4। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल, राइट साइड पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। राइट साइड पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे बनेगा 2 टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एन सी ज़ीरो क्या होता है 1, उसके बाद फर्स्ट टर्म की पावर 4, सेकंड टर्म की पावर 0, 1 है, नो नीड टू राइट। नेक्स्ट होगा एन सी वन होता है, यहाँ पे 4 आएगा, इसकी पावर 1 कम कर देंगे क्यूब, और यहाँ पर इसकी सेकंड टर्म की पावर 1। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट होगा NC2 यानी 4C2, तो 4C2 डेफिनेटली क्या होगा 6, यहाँ पर 1 पावर हम कम करेंगे तो ये बनेगा x2, यहाँ पर 1 पावर इंक्रीज करेंगे तो 1/x की पावर कितनी बनेगी 2। नेक्स्ट राइट टर्म राइट करेंगे प्लस हमारे पास बनेगा 4C3, 4C3 क्या होता है 4x की पावर 1 बनेगी और 1/x की होल पावर 3 प्लस 4C4 हमारे पास आएगा 1, और यहाँ पे x की पावर 0, नो नीड टू राइट क्योंकि वो भी 1 है, और उसके बाद 1/x टू दी होल पावर बनेगी 4। अब हम क्या करते हैं, इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोटिस करें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टू दी पावर 4 16 कॉस टू दी पावर 4 थीटा, राइट साइड पे बनेगा x टू दी पावर 4, कैंसल आउट किया प्लस 4x2 प्लस कैंसल आउट किया 6 प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 4/x2 प्लस 1/x टू द पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग अलाइक टर्म, एक जैसी टर्म को कंबाइन करेंगे, कॉस टू द पावर 4 थीटा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 4x2 प्लस 4/x2 प्लस 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगेन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 16 कॉस टू द पावर 4 थीटा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, यहाँ पर प्लस 4 कॉमन, x2 प्लस 1/x2 प्लस 6। अब यहाँ पर हम रिजल्ट यूज करेंगे डी मॉवरेस थ्योरम का, और वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट हमारे पास ये है कि x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n इज इक्वल होता है 2 cos n थीटा। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, लेफ्ट साइड पे है हमारे पास 16 cos टू द पावर 4 थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos 4 थीटा प्लस ये बनेगा हमारे पास सेम 2 cos 2 थीटा प्लस 6।
अब इसे राइट साइड को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 16 कॉस टू द पावर 4 थीटा 2 कॉस 4 थीटा प्लस 8 कॉस 2 थीटा प्लस 6। अब आप नोटिस करें राइट साइड से ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 2, तो क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें। यहाँ पे बनेगा x टू द पावर 4 थीटा, 2 कॉमन लिया अपॉन 16, ये बना cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो ये हमारे पास cos टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू आ चुकी है। एक स्टेप में से कैंसिल आउट कर लेते हैं, cos टू द पावर 4 थीटा 1/8 इंटू cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे cos टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब मुझे sin रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे मैंने एक्सपेंड किया है 2 cos थीटा की पावर 4 लेके, अब मैं साइन वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। और हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला ये है बिकॉज 2 अयोटा साइन थीटा, 2 अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। देन क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, 2 अयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x टू दी होल पावर 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, लेफ्ट साइड डेफिनेटली 2 की पावर 4 बनेगी, अयोटा की पावर 4 बनेगी और साइन टू दी पावर 4 थीटा बनेगी। राइट साइड डियर स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करें, अगर सेंटर में प्लस था तो बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें ईच एंड एवरी टर्म कोफिशेंट पॉजिटिव के साइन है। अब सेंट्रल साइन नेगेटिव है तो अल्टरनेट साइन होगी। कैसे अल्टरनेट साइन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और उसके बाद जब कलेक्टिंग अलाइक टर्म करेंगे तो जस्ट डिफरेंस ये होगा, यहाँ पर साइन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर साइन आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसको मैं फर्दर जो है कंप्लीट स्टेप सॉल्व नहीं करता, जस्ट आप उसका खुद वर्क कीजिएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली राइट करता हूँ, राइट साइड पे बनेगा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1/cos टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा 6। अब डेफिनेटली यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अयोटा टू द पावर 4 क्या होगा 1, नो नीड टू राइट, तो ये बनेगा 2 टू द पावर 4। डेफिनेटली ये हमारे पास है 16 साइन टू द पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 कॉज 4 थीटा माइनस 4, इसकी वैल्यू 2 कॉज 2 थीटा प्लस 6। राइट साइड से 2 कॉमन ले सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा 2 कॉमन लिया अपॉन 16, ये बना cos 4 थीटा माइनस का 4 cos 2 थीटा प्लस 3। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई किया, sin टू द पावर 4 थीटा 1/8 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब आप नोटिस करें जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड में डेफिनेटली लेफ्ट साइड ऐड होगी cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आप नोटिस करें ये दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने 1/8 कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 cos 4 थीटा, और डेफिनेटली ये 3 प्लस 3 कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 6। और आप नोटिस करें ये फर्दर जो है यहाँ से कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड सेम cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा 2 अपॉन
8, यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस 3, राइट साइड को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा, 1 ओवर 4 कांस्टेंट पहले राइट कर दिया, 3 प्लस cos 4 थीटा। और यही था हमारा क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।